हाई गाइज़, माई नेम इज़ सना एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। फ्रॉम द टाइटल ऑफ द वीडियो आपको पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं मेरे नायका हॉट पिंक सेल हॉल की। तो मैंने कुछ ज़्यादा ही चीज़ें खरीद ली है। एक्चुअली ये सब कुछ मेरा नहीं है, मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ जो मेरी भाभी है, हमने साथ में शॉपिंग की है। सो मैंने सोचा कि मैं आपको कलेक्टिवली सब कुछ ही बता देती हूँ जो हम लोग ने मंगवाया है। सो आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हॉल हो जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट विथ सम परफ्यूम्स। सम से कुछ ज़्यादा ही है ये। सो बाथ एंड बॉडी वर्क्स पर भी सेल थी। बाथ एंड बॉडी वर्क्स रिसेंटली लॉन्च ऑन नायका, उनके शावर जेल्स और उनके बॉडी लोशंस तो मैंने ट्राई किए हैं और वो दोनों बहुत अच्छे होते हैं, पर उनके जो बॉडी मिस्ट हैं वो मैंने कभी नहीं ट्राई किए थे। सो आई वेंट अ लिटिल क्रेजी। ये सब कुछ मेरा नहीं है ऑब्वियसली, ये मेरी भाभी, मेरी बहन और मेरी मॉम भी मेरे साथ शेयर करने वाले हैं। सो आई बॉट 6 बॉडी मिस्ट। सो द फ्रेग्रेंसेज दैट आई गॉट इज़ इट्स जैपनीज चेरी ब्लॉसम, अ थाउजेंड विशेज़ का जो पैकेजिंग है दैट इज़ ब्यूटिफुल। इनफैक्ट सबका ही पैकेजिंग बहुत अच्छा है, मुझे बहुत ही मतलब एकदम ऐसे कलरफुल और एकदम क्लासी लगा। दिस वन इज़ मैड अबाउट यू, दिस वन इज़ अ ब्यूटिफुल डे, माई भाभी रियली लाइक द स्मेल ऑफ दिस वन, दिस हैज़ लाइक एन एप्पल सिट्रसी काइंड ऑफ ग्रीन एप्पल वाली जो स्मेल होती है वैसी है, स्वीट पी। एंड दिस आई एम द मोस्ट एक्साइटेड अबाउट इज़ द वॉर्म वेनिला शुगर, एंड आई रियली लाइक वॉर्म काइंड ऑफ वेनिला फ्रेगरेंसेज, एंड सो मैंने सोचा कि वो वाला तो ट्राई करना ही है। आई डिड नॉट स्टॉप देयर, आई स्टॉप्ड देयर, माई भाभी डिड नॉट स्टॉप देयर, शी इज़ अ बिग परफ्यूम फैनेटिक, उनको फ्रेगरेंसेज का बहुत ज़्यादा ही शौक है। तो नायका पे एक सेट था 3 मिनीज का, दिस इज़ द मॉय बाय नायका, उनके 3 मिनीज का सेट था, प्राइस रेंज तो मुझे याद नहीं है। तो माई भाभी गॉट दिस एज वेल, दिस इज़ एपाइस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज़ मैटिन एंड दिस इज़ बिसूस। बिसूस ऑल्सो हैज़ अ वॉर्म काइंड ऑफ फ्रेगरेंस, वेनिलाइश काइंड ऑफ फ्रेगरेंस, एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टील दिस फ्रॉम माई भाभी, आई एम नॉट श्योर, बट सो दोज वर 9 परफ्यूम्स इन टोटल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हेयर केयर। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई बॉट इज़ दिस सनसिल्क का एलोवेरा कोकोनट वाटर प्लस एलोवेरा वॉल्यूम फॉर फुल एंड बाउंसी हेयर शैम्पू। दिस इज़ देयर प्रिटी न्यूअर लॉन्च, इतना भी ज़्यादा न्यू नहीं है बट फॉर मी इट्स न्यू। इनका एक दूसरा भी वेरियंट है, ग्रीन टी एंड वाइट लिली आई थिंक, एंड आई रियली वॉन्ट टू ट्राई दैट वन एज वेल, बट आई थॉट कि ये वाले से शुरू करते हैं, एंड आई रियली लाइक द पैकेजिंग एज वेल, इट्स रियली रियली क्यूट। सो दिस वन आई गॉट फॉर माई सेल्फ। नाउ हर्बल एसेंस का जो आर्गन ऑयल वाला शैम्पू है वो मैंने हमेशा से यूज़ किया है और मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। सो माई भाभी जनरली यूजेज वेला, बट अभी शी थॉट दैट शी शुड ऑल्सो चेंज हर शैम्पू, सो शी बॉट हर्बल एसेंस का ये ग्रीन टी है ना, हाँ, क्यूकम्बर एंड ग्रीन टी वाला जो डुओ है, सो द शैम्पू एंड कंडीशनर डुओ, एंड शी हैज़ यूज्ड इट कपल ऑफ टाइम्स, आई थिंक वंस या ट्वाइस कभी तो उन्होंने यूज़ किया, एंड शी रियली लाइक दिस, बहुत अच्छे से स्कैल्प को क्लीन भी करता है एंड शी इज़ रियली इन्जॉइंग इट। मैं भी ये यूज़ करूँगी एंड बहुत जल्द रिव्यू करने की कोशिश करूँगी, बट हर्बल एसेंस शैम्पूज आर जेन्युइनली रियली गुड। नाउ द नेक्स्ट 3 things that I've got are these khadi ke soaps. I am really into handmade soaps nowadays, so I was thinking ki I will also try out as many handmade soaps, and agar you know mujhe pasand aate hai to I can make like a good video about top 5 handmade soaps ya kuch. So let me know if you're interested in that. But the soaps that I bought are these khadi ke soaps. Bahut zyada light aa rahi hai. So this is the strawberry variant, this is the lavender, and this is the saffron variant. Now saffron और strawberry की तो बहुत अच्छी smell है, saffron की बहुत अच्छी है, strawberry की भी अच्छी mild strawberry fragrance है, but lavender smells like almost कपड़े धोने का साबुन जो रहता है। So I don't know why lavender smells like that, I was really hoping कि lavender की काफ़ी अच्छी smell होगी, but well, so I am not very happy about that. लेकिन 50 rupees या कुछ का था ये, वन साबुन वॉज 50 rupees, सो आई थॉट ट्राई करके देखते हैं, इंडियन ब्रांड है और हैंडमेड सोप है, तो 50 rupees में आजकल हैंडमेड सोप बहुत मुश्किल है मिलना, सो आई वॉज लाइक ठीक है लेट्स जस्ट ट्राई इट आउट।
Next, let's start with some makeup. So the first thing that I got is this Maybelline Age Rewind, Instant Age Rewind Eraser Multi-Use Concealer. I'm in the shade medium 130. So I bought this because मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है. Like everybody raves about this and I hadn't tried this. और Nykaa Hot Pink Sale पे ये बहुत ही अच्छी डिस्काउंट पे था. So I thought कि try करना चाहिए. So that is why I got this. The next thing my भाभी got is this Wet n Wild का black eyeshadow. This is in the shade Panther. So we have eyeshadow palettes, but किसी में भी black shade नहीं था. She was going to buy another eyeshadow palette itself, जिसमें black shade है, but I thought कि इतना palette खरीद के कोई फ़ायदा नहीं है. So I told her, let's just get a black eyeshadow, single shadow, which is great. सो ये भी लिया है. द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ ऑल्सो माई भाभीज इज दिस लॉरियल का काजल मजीक बोल्ड काजल बेसिकली. सो ये पैक ऑफ टू है. सो दिस वन इज़ फॉर हर एंड वन इज़ फॉर हर सिस्टर. सो येस, द नेक्स्ट टू थिंग्स दैट आई बॉट आर प्रिटी रैंडम. सो ये मैंने कुछ जेल्स खरीदे हैं. नाउ आई एम वेरी मच इनटू स्किन केयर. मैं बहुत, मुझे मास्किंग करना बहुत पसंद है, फेस मास्क लगाना. एंड जनरली कुछ मास्क जो मेरे पास होते हैं वो पाउडर्ड मास्क होते हैं, तो उसके अंदर यू हैव टू मिक्स लाइक रोज वाटर या फिर कुछ लाइक कोई एलोवेरा जेल या कुछ. एंड आई एम वेरी लाइक बोर्ड ऑफ यूजिंग एलोवेरा जेल. मुझे एलोवेरा जेल बहुत, मुझे बेसिकली कुछ फैंसी सा चाहिए था. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज़ दिस खादी का एलोवेरा नीम एंड बेसिल जेल. सो दिस इज़ द एलोवेरा नीम एंड बेसिल. ये भी कुछ 150 या कुछ का था. सो आई गॉट दिस इन लाइक अ गुड डिस्काउंट. द नेक्स्ट वन इज़ दिस रस्टिक आर्ट का एलोवेरा सैंडल सैफ्रन जेल. दिस ऑल्सो हैज़ लाइक अ रियली नाइस ब्राउनिश येलोइश काइंड ऑफ कलर. इसकी स्मेल भी काफ़ी अच्छी है. ये मैंने अभी तक खोला नहीं है, उसमें सील लगा हुआ है एंड आई डोंट रियली वांट टू ओपन दैट. बट इसकी, इसमें एक सिर्फ कैप है जो यू कैन रिमूव. सो इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी है. एंड पर्टिकुलरली दिस वन मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसे भी अपने, इनफैक्ट दोनों ही मैं ऐसे भी अपने स्किन पर लगा सकती हूँ क्योंकि आई हैव ऑयली स्किन. सो बोथ ऑफ देम विल सूट मी. बट बेसिकली मैंने इनको लिया था टू एक्टिवेट माई पाउडर मास्क. सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट कैटेगरी दैट आई बॉट आर सम लिपस्टिक्स. सो ये दो लिपस्टिक्स है, फेसेस कैनेडा अल्टाइम प्रो की मैट लिप क्रेयॉन. ये दोनों मेरी भाभी की है. शी हैज़ सम लिपस्टिक्स बट शी डिड नॉट हैव लाइक ब्राउनिश जो शेड्स होते हैं ना वो उनके पास नहीं थे. तो शी बॉट अ फायरी ब्राउन एंड अ ब्रूनेट. सो ये दोनों शेड्स उनके हैं. मैं स्वॉच एंड में डाल दूंगी तो आप लोग देख सकते हैं. बट ये दोनों शेड्स उन्होंने लिए हैं. एंड फेसेस कैनेडा पे ये बाय द वे दिस वाज ऑन बाय वन गेट वन फ्री. दैट टाइम शी बॉट इट. सो शी बॉट वन एंड शी गॉट वन फ्री. एंड आई बॉट दिस फेसेस कैनेडा की इंटेंस मैट लिप्स प्लस प्राइमर. ये भी फेसेस के क्रेयॉन्स हैं बेसिकली. सो आई डिड नॉट हैव अ मरून शेड. सो आई बॉट दीज टू शेड्स. वन इज़ ब्लड मून एंड वन इज़ क्रश्ड बेरीज. नाउ स्वॉचेज में ये दोनों शेड्स थोड़े से डिफरेंट दिख रहे थे. मैंने काफ़ी यूट्यूब स्वॉचेज देखे, गूगल पे भी स्वॉचेज सर्च किए थे, तो काफ़ी डिफरेंट दिख रहे थे. बट व्हेन आई गॉट देम एंड व्हेन आई स्वॉच्ड इट ऑन माय हैंड्स दे सीम टू बी वेरी सिमिलर. लाइक मतलब मैं अगर उनको लिप्स पे लगा लूँ तो 19-20 जितना भी डिफरेंस शायद ना दिखे. सो आई वॉज प्रिटी डिसअपॉइंटेड विद दैट. लेकिन देन आई स्पोक टू माई सिस्टर एंड आई जस्ट गिव वन ऑफ द शेड्स टू माई सिस्टर. सो दैट सॉर्टेड. इतना कुछ आई डोंट रिग्रेट बाइंग इट बिकॉज देन माई सिस्टर कैन यूज़ इट. सो जब मैंने फेसिस की लिपस्टिक ली तो उसमें कुछ 30 या कुछ परसेंट डिस्काउंट था. सो आई गॉट बोथ ऑफ दीज ऑन डिस्काउंट एंड आई गॉट वन फेसिस की क्रेयॉन लिपस्टिक फ्री. सो ये ये कोई भी शेड आ सकता है. सो आई कुड नॉट चूज़ अ शेड इन दिस बट आई वॉज प्रिटी एक्साइटेड क्योंकि मुझे क्रेयॉन ट्राई करना था एंड मुझे क्रेयॉन मिल गया. सो इसका शेड है मिड नाइट रोज़. नाउ व्हेन आई रेड दिस लाइक शेड मिड नाइट रोज़ मुझे लगा कि वाओ कुछ ऐसा म्यूटिश लाइक यू नो रोज़ शेड होगा. बट दिस इज़ अ प्रॉपर रेड शेड. ओके एंड ये भी काफ़ी रेडिश मरूनिश है. सो आई वॉज लाइक ओके नाउ आई हैव थ्री मरून शेड्स. लाइक इससे पहले मेरे पास एक भी मरून शेड नहीं था और अब मेरे पास तीन हैं. तो एक तो मैं मेरी सिस्टर को दे दूंगी बट बाकी दो आई जस्ट यूज़ इट. इट्स ओके. ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉपर ब्लड रेड है और ये थोड़ा मरूनिश रेड है. तो इन दोनों में एटलीस्ट 19-20 का डिफरेंस है. सो
आई डोंट रियली रिग्रेट इट, क्योंकि मैंने उसके लिए पे तो नहीं किया, सो इट्स ओके, आई नो आई विल यूज़ इट. सो येस, That was my haul. That was my Nykaa Hot Pink Sale haul. काफ़ी सारी चीज़ें हैं, but make sure that I don't hoard things. ये सब मुझे actually में use आने वाली चीज़ें थी. Perfumes भी obviously मैं use कर लूँगी मेरी भाभी मम्मा and मेरी बहन के साथ share करके. I will use everything. So I would suggest that आप भी जब shopping करते हैं तो please try not to hoard things. आपको जो ज़रूरत है वही आप यूज़ करें. काफ़ी सारी डील्स थी, बट आई एंड कुछ टाइम के लिए यू विल ऑल्सो फील दैट यू नो इतना अच्छा डिस्काउंट है, लेट्स जस्ट बाई थिंग्स. बट नायका पे सेल आती जाती रहती है, अभी भी आई है रक्षाबंधन की सेल, फिर उसके बाद वापस से कोई और सेल आएगी, अगस्त में कोई और सेल आएगी, बाद में दिसंबर में भी वापस सेल आएगी. सो इट्स बेटर दैट आप कुछ फिनिश करें एंड देन यू स्टॉक अप ऑन योर थिंग्स. सो बी माइंडफुल कि आप अपने पैसे कहाँ खर्च कर रहे हो, क्योंकि नायका पे या फिर कोई भी साइट पे फॉर दैट मैटर सेल आती रहती है. सो येस, थोड़ा सा ज्ञान था ये, बट बी माइंडफुल ऑफ वॉट यू स्पेंड एंड वेयर यू आर स्पेंडिंग इट. सो येस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय.